एक्चुअली बात हुई है, तकलीफ हुई है पीएफए का मियार का। देखिए इंटरनेशनल प्लेयर उस स्टैंडर्ड के नहीं आए, इस स्टैंडर्ड के प्लेयर आने चाहिए थे और प्लेयर को भी बहुत शिकायतें हैं, लोग बड़ी कैंपेन कर रहे थे हमेशा आपको होना चाहिए। मुझे सबसे हैरत जो है वो शर्जील खान की है। शर्जील खान जैसा प्लेयर जो किसी भी पीएसएल की टीम के अंदर नहीं, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि इस वक्त जो है दोस्ती आ कल्चर कितना बच्चे क्रिकेट में इन्वॉल्व है। शर्जील लास्ट टाइम कराची में थे, परफॉर्म भी करा था, फिर भी उनको नहीं लिया गया। वही मैं कह रहा हूँ ना कि शर्जील जैसा प्लेयर जो है वो अब जो है वो नहीं है किसी भी फ्रेंचाइज के अंदर, तो ये एक बड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें उमर अकमल, अहमद शहजाद, हैदर अली, ये थे तो जो अपने कसूर है। उमर अकमल के लिए थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा रूम बन सकता था, लेकिन अहमद शहजाद, अहमद शहजाद को पता है पहले भी लास्ट टाइम जब पीएसएल खेले थे कोई ग्रेडेटर ने कोई खिलाया था, उन्होंने 12 एवरेज से रन किए थे, पीएसएल में इतने कामयाब नहीं हो सके थे। लेकिन 12 इतने बुरे प्लेयर नहीं है कि नहीं होते, हो भी सकते थे, नहीं है तो इसमें भी कोई हो सकता है। मीडिया पर चल रहा है उमर अकमल की नवाज शरीफ से भी मुलाकात कर ली। हाँ वही उमर अकमल तो आपको इमरान खान से भी मिल चुके, लेकिन उमर अकमल ऐसे प्लेयर हैं कि एडजस्ट हो सकते थे, इतने बुरे नहीं है।